बड़े बड़े नेता आके खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और मेरे लिए तो कभी नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि खड़गे साहब भारी बहुतों से कामयाब हो। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, इस बार फिर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक ऐसी गलती कर दी है कि उसकी सजा उनके इस्तीफे से कम नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री वही होता है जिसे विधायक दल का नेता चुना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस में विधायक दल के नेता भी हैं, लेकिन कांग्रेस का संविधान कहता है कि अगर कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी को, चाहे वो AICC का जनरल सेक्रेटरी हो या फिर सेक्रेटरी इंचार्ज हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर प्रवक्ता हो या फिर किसी डिपार्टमेंट का मुखिया हो या IT सेल का ही इंचार्ज हो या फिर किसी भी पद पर हो, अगर उसे व्यक्तिगत हैसियत से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किसी शख्स का प्रचार करना हो तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री की ओर से इस आशय का एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसके पॉइंट नंबर 3 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, और ये लेटर आप देख सकते हैं। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना इस्तीफा दिए ही मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की अपील कर दी है। सुनिए क्या कहा है अशोक गहलोत ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी डेलीगेट हैं वो भारी बहुमत से इनको कामयाब करेंगे, और कामयाब होने के बाद में ये हमने सबका मार्गदर्शन करेंगे और कांग्रेस मजबूत होकर के प्रतिपक्ष की नेशनल पार्टी के रूप में उभर के सामने वापस आएगी। ये मेरी सोच है और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि खड़गे साहब भारी बहुत से कामयाब हो। धन्यवाद। इससे पहले भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद की रेस में शामिल था तो उनके खिलाफ शशि थरूर के चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर गौरव वल्लभ ने भी ट्वीट करके अशोक गहलोत के नाम का समर्थन किया था। लेकिन तब भी गौरव वल्लभ से इस्तीफा नहीं मांगा गया था, और तय है कि अब भी अशोक गहलोत से इस्तीफा नहीं ही मांग लिया जाएगा। बाकी तो शशि थरूर कह ही रहे हैं कि जब वो प्रचार करते हैं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत बड़े नेता गायब रहते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कैंपेन करते हैं तो तमाम बड़े बड़े नेता उनके साथ बैठे रहते हैं। कुछ नेताओं जिस किस्म के काम किए हैं उसके बारे में मैंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि कई कई जगह में आप देखे होंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, CLP नेता, बड़े बड़े नेता कि खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, PCC से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें कई PCC में हुए हैं, और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए ये हुआ, और मेरे लिए तो कभी नहीं था। कई बार मैं PCC गया हूँ और उसी दिन PCC अध्यक्ष को होना मुश्किल था, और मैं साधारण कार्यकर्ताओं से मिले खुशी से, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देखिए, मुझे मालूम है कि एक साधारण कार्यकर्ता का वोट और एक बड़ा नेता का वोट एक ही वेट है, एक ही वैल्यू है, हाँ एक तो एक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसमें। और शशि थरूर की ये बात सही भी है, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार की ओर से अधिकृत उम्मीदवार घोषित न किया गया हो, लेकिन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के दौरान गांधी परिवार के करीबी मौजूद रहे और जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया, उससे उसी वक्त साफ हो गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है। लेकिन अपने ही बनाए नियमों को तोड़कर अशोक गहलोत का मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए प्रचार करना कहां तक जायज है, इसका जवाब कांग्रेस को तो देना ही होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे।